जब आपके बच्चे रोड पर खड़े होकर गाली गलौज बद्दी बद्दी गालियों के साथ रील्स बनाते हैं, घर से निकलकर रोड पर नाचा जाता है, मैं कला का विरोधी नहीं हूँ, मैं कलाकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं कला का प्रदर्शन करने का विरोधी हूँ, मैं कला को जिस तरीके से आप रख रहे हैं करूँगा, डंके की चोट पर करूँगा। मैं भी इसी समाज का हूँ, मैं इसी समाज का सभ्य नागरिक हूँ, मैं इसी समाज में मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपने दुर्गंध फैला रखा है, मैं दुर्गंध कर रहा हूँ आपको। और जो व्यक्ति को लगता है कि मेरा आवाज बिल्कुल सही है, कम से कम जरूर आसपास जो लोग इस तरीके इसका दुस्साहस करके समाज को गंदा कर रहे हैं, उनको अनफॉलो करने की जरूरत। रील्स बनाकर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये एक्टर बन जाएंगे, सलमान खान बन जाएंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे, अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, अभिषेक बच्चन बन जाएंगे, अब क्या बन जाएंगे, आप बने या कुछ ना बने इतना तय है। आप समाज को गलत दिशा दिखा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत इशारा से उन बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं वो आपसे सीख रहे हैं कि किसको किस तरीके से रील्स बनाकर वायरल किया जाए। ये थोड़ा समझने का चीज है, ये अभिभावकों को समझने का चीज है। आपके बच्चे जिस रील्स को बना रहे हैं, जिन गानों पर थिरक रहे हैं, बच्चियां गानों पर थिरक रही हैं, युवा गाने पर थिरक रहे हैं, कौन देख रहा? आपका घर का माँ, आपका घर का पिता, आपका घर का भाई, आपका घर का दोस्त, क्या उनको बुरा नहीं लगता? मैं खासकर कोयलांचल से जुड़े हुए वैसे जो रील्स बनाने वाले हैं उनके भविष्य की मैं उत्तम भविष्य की कामना करूंगा। लेकिन यह आपसे मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान, क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी कल इसी तरह का रील्स बनाए? अनिल कपूर का एक फिल्म का गाना था, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, लेकिन अपने पीछे जो राज है कभी ना कभी वो राज यही पैसा खोलता है। ये पैसा बोलता है और राज खोलता है से जुड़े हुए जुर्म की कहानी आज कोयलांचल के कोने कोने में जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से युवा अपने भविष्य को गलत में भेद डाल रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन? क्या अभिभावकों को सोचने की जरूरत नहीं? क्या उनके शिक्षकों को सोचने की जरूरत नहीं? क्या उन्हें एक सच्चा मार्गदर्शन और अच्छा मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं? आज छोटा से छोटा बच्चा, युवा जो 18 से 20, 25, 30 साल के अंतर्गत है, रील्स बनाता है, हाथ में कट्टा लेकर धमकी देता है। कुछ रील्स ऐसे बनाते हैं धनबाद, बोकारो, रांची, चास, आसपास के युवा, जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। आप क्या परोस रहे हैं समाज को? समाज को परोसने के पीछे का आपका रीजन क्या है? महज व्यू को पाने के लिए? खुले डंके की चोट पर मैं उमेश, व्योम टीवी के स्पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपसे एक चर्चा करने जा रहा हूं। ये जो रील्स बना रहे हैं धनबाद, बोकारो, चास के बच्चे, जिसमें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उनके माता पिता देखते हैं, उनके दोस्त देखते हैं, आप क्या समाज को सिखाना चाहते हैं? महज व्यू बढ़ाने के लिए, चंद पैसे को कमाने के लिए, समाज में पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, क्या इसी से आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे? जिन गालियों का प्रयोग आज आप रील्स में कर रहे हैं, जिन गालियों का प्रयोग आप रील्स में कर रहे हैं, क्या आपके अभिभावक को वो अच्छा लगता है? क्या आपके घर परिवार को वो अच्छा लगता है? मुझे तो खराब लगता है, इसलिए मैं डंके की चोट पर व्योम टीवी के इस पेज से मैं खुली चुनौती देता हूं। श्रीमान, अगर आप समाज को कोई बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, मेरे नीचे लिखे स्क्रीन के नंबर पर जरूर मुझे कॉल करें। अगर मन में आपको गाली है तो आप गाली दे सकते हैं मुझे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक 1-to-1 इंटरव्यू आपके साथ होना बहुत जरूरी है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर हमारे साथ एक सहयोगी हैं, ये भी युवा हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आज रील्स जिस तरीके से बन रहा है, मैं इसी कोयलांचल की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी कोयलांचल की बात कर रहा हूं, इस रील से किसका भला हो रहा है?
चलिए आप देखें, मनोरंजन के लिए देखें, मैं भी देखूंगा आपके साथ। लेकिन गाली क्यों? वो गाली जिसे समाज किसी भी हाल में अपनाने को तैयार नहीं। आज हमारे साथ हैं विवेक जी, आप भी एक युवा हैं विवेक जी, क्या आपको लगता है रील समाज को बर्बाद कर रहा? एकदम, रील्स समाज को तो बर्बाद तो कर ही रहा, लेकिन रील्स के खुलकर बोलें एकदम बिल्कुल, लेकिन रील्स के पीछे ये रीजन भी है कि जो रील्स बना रहा वो चाह रहा कि हम पॉपुलर हों, और पॉपुलर हो वो सोच रहा कि हम और आगे बढ़े। ये जो कर रहा टीवी इंडस्ट्री में देखते हुए जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है वही लोग को फॉलो करके ये सब रील्स को बना रहा और अपना पॉपुलर को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ये क्या गाली देना जायज है? ये गाली तो देना जायज, लेकिन क्या किया जाए? गंदे गंदे संकेत दिखाना जायज है? ये जायज नहीं है, लेकिन ये कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे स्कूल के द्वारा जो एंड्रॉयड मोबाइल छोटे बच्चे को जो दिया जा रहा है उसी से तो लड़का लोग और भी बिगड़ रहा है। हम तो कहेंगे कि ये मोबाइल ही देना बंद करें, ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। देखिए विवेक जी भी एक युवा हैं और जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, एक जो बच्चा होता है एक पिलर होता है भविष्य का, अगर शुरुआती में अगर पेड़ मेरा अगर शुरुआती है और शुरू से अच्छा पानी पौधा भरण पोषण अगर अच्छा करे तो उसका जड़ भी मजबूत होगा और उसका आने वाला समय भी मजबूत होगा। यही सब देख के मैं नहीं देना चाहता। मेरा तो काम है व्योम टीवी के पेज से मैं लगातार इन सारी चीज़ों का विरोध करता हूँ।